टेंथ स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। फर्स्ट इज योर नेचुरल नंबर। पहले हम सब बेसिक नंबर्स देखेंगे, तो पहला नंबर उसमें आता है नेचुरल नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। वो नंबर जो वन से चालू होता है और जो इन्फिनिटी तक जाता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। दूसरा है होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, जिसमें सब नेचुरल नंबर आते हैं लेकिन एक नया नंबर ऐड हो जाता है जो हमारा होता है जीरो, उसको हम डिफाइन करते हैं होल नंबर्स। फिर तीसरा नंबर हमारा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, जिसमें सब नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, एंड जीरो भी आता है। मतलब ऑल नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज इंटीजर्स। फिर आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, मतलब जो नंबर हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। इसमें एक कंडीशन है जो बहुत ज़रूरी है कि q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, और डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो वो नंबर इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब है नॉट डिफाइन हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है 5/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब जिसमें भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है वो नंबर इन्फिनिटी को टेंस करता है। 100/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ऊपर p कुछ भी हो लेकिन अगर q जीरो आता है तो वो नंबर इन्फिनिटी हो जाता है। वैसे ही मैंने रैशनल नंबर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं 7/11, 4/15, 1000/7 एटसेट्रा। फिर हमारा आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो उसका जनरल फॉर्म क्या है इरेशनल नंबर का? इरेशनल नंबर का जनरल फॉर्म है अंडर रूट ऑफ पी, वेर पी इज अ प्राइम नंबर, जिसमें पी प्राइम नंबर है। अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, ये सब नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर, जो ये चैप्टर का नाम है। रियल नंबर मतलब विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, जिसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे इरेशनल्स भी आ जाएंगे, उसको हम रियल नंबर्स बोलेंगे। मतलब क्या हुआ, अभी तक हमने जितने भी नंबर्स देखे वो सब नंबर्स रियल नंबर में आ जाएंगे, और इट इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ऑल द नंबर्स। नाउ विल सी ऑड नंबर्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑड नंबर्स? द नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको ऑड नंबर्स बोलते हैं। इवन नंबर क्या होता है? जो नंबर 2 से डिवाइड होता है विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर? जिस नंबर जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होता है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर? द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। जो नंबर प्राइम नहीं है उसको भी हम कंपोजिट बोलेंगे। जैसे 6 है तो 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, और 1 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब उसके फैक्टर्स कौन से हो गए? 1, 2, 3, 6। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए, इसका मतलब 6 कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो हम 1 क्या बोल सकते हैं? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इट इज कॉल्ड यूनिक नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, तो 1 को हम कौन सा नंबर बोलेंगे? यूनिक नंबर बोलेंगे। कौन सा नंबर? यूनिक नंबर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम एंड रिलेटिवली प्राइम? को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है? जिसका एच सी एफ 1 है, एच सी एफ मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका 1 है, उसको हम बोलेंगे को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर,
that is Euclid's division lemma. It is A is equals to B Q plus R, जिसमें A बड़ा नंबर होता है, B छोटा नंबर होता है. Q मतलब हमारा quotient, R मतलब हमारा remainder. तो ये Euclid's division lemma क्या करता है? वो दो नंबर के बीच में हमें HCF find करके देता है. It is used to find HCF of two numbers. अगर हम इसके ज़्यादा example देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो exercise 1.1 का पहला sum है to find the HCF of two numbers that is 135 and 225 using Euclid's division lemma. तो इसमें से कौन सा दोनों में से बड़ा नंबर है? 225. तो A को हम क्या लेंगे? 225. B को क्या लेंगे? 135. तो बड़े नंबर को हमने A लिया, छोटे नंबर को हमने B लिया. अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला है? A is equals to B Q plus R. तो हम A की जगह 225 लिखेंगे, B की जगह 135 लिखेंगे, Q और R की जगह कुछ नहीं लिखेंगे. अभी हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे. तो 135 ones are 135, जो रिमाइंडर बचता है 90. तो जहां R था वहां हम 90 लिखेंगे, जहां Q था वहां क्वेश्चन क्या आया हमारा 1 आया, तो 1 लिखेंगे. अभी हम 135 और 90 का वापिस से करेंगे. तो 135 और 90 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 135. तो 135 हमारा A हो जाएगा दूसरे स्टेप के लिए और 90 हमारा B हो जाएगा. तो A की जगह हमने 135 लिखा, B की जगह 90 लिखा, Q और R की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे. वापिस हम बड़े नंबर 135 को डिवाइड करेंगे 90 से. तो 90 ones are 90. तो इसका रिमाइंडर क्या बचा? 45. तो इसमें R की जगह 45 और Q की जगह क्या लिखेंगे? 1. समझ में आया? Now 90 और 45 वापिस दो नंबर बचे हमारे पास. तो 90 और 45 में से बड़ा नंबर 90 है. तो A की जगह बड़ा नंबर लिखेंगे, B की जगह 45 लिखेंगे, Q और R की जगह कुछ नहीं लिखेंगे. अभी जब हम बड़े नंबर को 45 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन 2 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा. तो ये प्रोसेस हमें कब तक करना है? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए. तो इधर हमारा रिमाइंडर 0 आया, उसको हम इधर लिखेंगे. क्वेश्चन की जगह 2 आया, उसको इधर लिखेंगे. तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है. अब ये दोनों नंबर में से हमारा HCF क्या हो जाएगा? 45, क्योंकि ये हमारा 0 हो गया. तो इसका मतलब है लास्ट डिवाइजर जो होता है, डिवाइजर मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? HCF. तो ये दो नंबर का HCF हमें क्या मिला? 45.